हेलो, हाय लीना जी, हाय। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, दिवाली कैसी रही आपकी? मेरी दिवाली बहुत बहुत अच्छी रही, क्योंकि जो ये मेरा लास्ट ईयर गया है ये बहुत अच्छा गया है। आई गॉट अवार्ड दादा साहब फाल्के एंड आई एम डूइंग द सो मनी मूवीज प्रोजेक्ट्स इवेंट्स, तो बहुत अच्छा रहा है। टच वुड। किन लोगों के साथ में? फैमिली के साथ में मनाया या कुछ नया किया इस बार? इस बार फैमिली के साथ भी किया है, बनाया है फैमिली के साथ, बनाया दिवाली घर पे। और कुछ मेरे एनजीओ हैं और मेरे पेट्स हैं, स्टिक डॉग्स, उनके साथ बनाई। और मेरे एनजीओ है जिसमें गरीब बच्चे, जिनके साथ मैं हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, उनके साथ बनाई दिवाली। तो ये साल तो आपके लिए बहुत लकी है, एक एक साथ दो दो तीन तीन फिल्में आ रही हैं आपकी, तो कितनी या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट अभी मेरी इस महीने आ रही है गुल मलाला, बहुत अच्छी मूवीज़ है, आप ट्रेलर देख सकते हैं यूट्यूब पे। और दबंग 3 आ रही है मेरी, दबंग 3 में आपको पता ही है सलमान खान हैं और उनके साथ बहुत अच्छा करेक्टर मेरा मिला है, बहुत अच्छा। दबंग 3 में कैसे मौका मिला है? बहुत बड़ी फिल्म है और कुछ बताएंगी इसके बारे में? या बहुत बड़ी मूवी है और मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है कि मुझे सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। और सारे सीन मेरे उनके साथ है क्योंकि मैं एक किडनैप गर्ल का रोल उसमें कर रही हूँ, और मुझे मौका मिला मेरे टैलेंट पे। एक ऑडिशन हुआ था, उसके जरिए मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे ये रोल मिल गया। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको दबंग 3 से अगर बात करें तो, और कैसा कनेक्शन रहा आपका प्रभुदेवा सर के साथ में, और जितना भी सेट पे सेट की कुछ बातें बताएं आप? या मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सलमान खान जी के साथ में। इज़ अ वेरी नाइस गाय, इज़ वेरी डिसेंट, इज़ वेरी टैलेंटेड गाय। और जब आपका एक बहुत ही सीनियर एक्टर के साथ में एक काम करने का मौका मिलता है तो आप बहुत नर्वस भी होते हो, मैं भी थी। पर वहाँ पर जहाँ मेरा ये शूट हुआ था इंदौर के आगे, वहाँ बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से मेरा बीपी लो हुआ और मैं चक्कर खा के गिर गई। तो सलमान खान जी ने कहा, ये कौन है, बेहोश हो गई ये लड़की, अरे ये तो लीना कपूर है, प्लीज़। इस दिन उन्होंने लोगों को बुलाया और लाइक एम्बुलेंस में मुझे लेकर गए और मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने वहाँ पे कराया। और उसके बाद मेरा शूट हुआ, बहुत अच्छा शूट हुआ। प्रभु देवा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। उनके सेट पर मतलब इतना डिसिप्लिन होता है और कट टू कट काम होता है, मतलब वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि टेक लेने में टाइम लग रहा था या कुछ हो रहा था, नहीं। और सलमान खान के फैंस तो ओ माई गॉड। और एक्ट्रेस के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन रहा आपका, कैसे वहाँ पर? मेरे टाइम पर वहाँ पर डॉली बिंद्रा थी और सलमान खान जी थे, अरबाज खान जी थे और प्रभु देवा थे। कोई एक्ट्रेस के साथ मेरा वहाँ पर हुआ नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रहा होगा। और गुल मकई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुल मकई अमजद खान हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे मतलब वहाँ पर काम करके कश्मीर में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। पहला एक्सपीरियंस तो जब हम लोग वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने मतलब फाइटिंग की थी कि उनको लगा कि हम कुछ और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान पे कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने फ़ाइट वगैरह की, बहुत हमको शूट में प्रॉब्लम्स बहुत हुई, बट ठीक है, हमारे डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने सारी चीज़ एडजस्ट की वहाँ पे और बहुत अच्छा एक स्टोरी जो है बहुत अच्छे से उन्होंने शूट करके लेके आए। और मेरा जो करेक्टर है उसके अंदर एक टीचर का है, मलाला की टीचर, मतलब जो उसको पढ़ाती है और आगे पढ़ने के लिए क्या क्या सपोर्ट करती है और आगे बढ़ाने के लिए कितनी फाइट करती है उसके घर वालों से, उसके फ्रेंड्स से, और जो बाहर के लोग हैं जो उसको आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे उनके साथ क्या क्या फाइट करती है, वो मेरा करेक्टर है उसमें। अच्छा, अभी आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसके बारे में बताइए कि कौन सी फिल्म थी और कितना शूट हुआ है? पाइपलाइन में तो आपके 4-5 फिल्में हैं, तो कितना बिजी शेड्यूल है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्रॉस, उनकी जो प्रोड्यूसर है वो जसपाल जी हैं, उनके साथ मैं मदमस बरखा मेरी सुपर हिट पिक्चर रही है,
वो कर चुकी हूँ। क्रॉस मूवी मैंने की, बहुत बारिश थी, हमारे डेज बहुत वेस्ट हुए, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फैंस को नहीं पता है, पब्लिक को नहीं पता है और आप शेयर करना चाहें तो आप प्लीज़ अपने मुंह से खुद ही बता दीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्रॉस में। एक मेरा जो रोल है काफ़ी रोमांचक है, बट हॉट नहीं है ये कंटेंट, बट हॉरर बहुत है, रोमांटिक भी है और दर्शकों को बहुत पसंद आएगा और बहुत हिट जाएगी। जैसे मेरी बरका हिट गई है, ये भी पिक्चर हिट जाएगी। और वहाँ पे सेट पर जब शूट चल रहा था तो बाजू में एक बहुत बड़ा सांप आ गया था और लाइक वो मेरे पैर के पास था और मुझे पता ही नहीं था, और हम लोग लगे थे टिकटॉक बनाने के लिए। बाद में पता चला कि ओ माय गॉड, मतलब 25 मीटर का सांप था, बहुत बड़ा, वो ऐसा मेरे पैरों के उधर था। फिर उस लोग आए और उन्होंने लाइक मैं स्टैचू ही थी और उसको हटाया। बहुत सारे ऐसे शूट पे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो कितना आप कहाँ देखती हैं आने वाले 4-5 साल में खुद को इस बॉलीवुड में, कहाँ पे देखती हैं, किस श्रेणी में खड़ा करेंगे? या ऑफ कोर्स जब मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अब मिल रहे हैं आपको माशाल्लाह से, तो और भी पाइपलाइन में होंगे, आप शायद शेयर ना करना चाह रही हो हमसे, सस्पेंस रखना चाह रही हो, तो कहाँ देखना चाह रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो अपने ये मेरी लाइफ की जो जर्नी है उसमें मैंने बहुत काम किया है, बहुत टीवी एड्स किए हैं, बहुत सारे वीडियोस किए हैं। हनी दलजीत 150 वीडियो कर चुकी हूँ, पंजाब में टॉप की मॉडल रह चुकी हूँ, यहाँ आके काफ़ी काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत काम किया। बहुत आड़े टेढ़े लोग मिलते हैं, बट अगर आप टैलेंटेड हो तो आप निकल जाते हो। और इतना काम करके और अभी इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं एक दिन कंगना रनावत के साथ जरूर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका स्ट्रगल मेरे स्ट्रगल से काफी मैच करता है। आइडियल किसको मानती हैं? आइडियल तो किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि सबका अलग अलग एक पार्ट है, बट मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। बॉलीवुड में कौन सी ऐसी मेल में सेलिब्रिटी है जिसके साथ में आप काम करना पसंद करती हैं? सलमान खान कर चुकी हैं ऑलरेडी ऑफकोर्स, लेकिन अभी मुझे और लीड पे उनके साथ काम करना है, शाहरुख के साथ काम करना है, अक्षय कुमार के साथ काम करना है। ओके, अच्छा टीवी सीरियल्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसमें कुछ बताएंगे, उसमें काम करना चाहती हैं या जो? टीवी की ऑफर्स तो मुझे बहुत है, कलर्स की, एकता कपूर के बैनर्स में, पर मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ तभी मेरी डेट्स ऑलरेडी मूवीज़ के शूट पे बिजी होती हैं, मेरे इवेंट्स परफॉर्म्स के उसमें बिजी होती हैं, तो कभी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, पर अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट बाद में देखूँगी।